नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे पाली भाषा में ये पंचशील और तीसरण गमन कैसे सही से उच्चारण करें। मैंने बहुत सारे जगहों में जाके देखा है, कई राज्यों में वहाँ के अपने बोली होने के कारण, वहाँ के अपने भाषा होने के कारण सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। पाली में अगर पंचशील ग्रहण कर रहे हो या तीसरण गमन बोल रहे हो तो ऐसे भगवान बुद्ध के संदेश जहाँ जहाँ तक पहुँचा है, जिस जिस देश में गया है, वहाँ के लोगों के अपना अपना मदर टंग होने के कारण, वहाँ के भाषा में कुछ शब्द ना होने के कारण उनका उच्चारण शुद्ध रूप से वे नहीं कर पाते हैं। अर्थ तो पता है उनको, भाषा में वह शब्द नहीं होने कारण उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, ये शब्द हम लोगों के पास है तो हमें सही से उच्चारण करना चाहिए। तो इसको देखते हैं हम लोग। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसमें देखिए नमो तस्स, इसमें बहुत जगह पर आपने सुना होगा तस्य, तस्य संस्कृत में होता है तो संस्कृत का नहीं बोलना है हमें, तस्स पाली में होता है। भगवतो अरहतो, आपने बहुत सारे जगह पे सुना होगा अरहत, पाली में रेफ र, बहुत सारे शब्द जो भारी उच्चारण करता है वो नहीं होता है और उसके जगह पे साइलेंट रहता है, त्र भी नहीं होता है, आपने सुना होगा सुत्त सुत्त बार बार कहते हैं। तो इसमें अरहतो, अरहतो नहीं है, अरहतो, ऐसे पाली में जो आखिरी शब्द है उसको भी सही से उच्चारण करना पड़ता है। सम्मा सम्बुद्धस्स, सम्यक सम्बुद्ध भी आपने सुना होगा लेकिन पाली में ऐसा नहीं होता है, सम्मा होता है, सम्मा सम्बुद्धस्स। तो पूरा मिला के नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। फिर आगे है तीसरण गमन, बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे कहते हैं। उनको ये उच्चारण जो हिंदी भाषी है और अन्य भाषी भी है, इसका अलग मीनिंग आता है। जो शरणं र शब्द आता है लेकिन पाली में ये साइलेंट है, अगर आप पाली के अनुसार ये बोल रहे हो तो इसको बोलना है शरणं, जो ड है ये न कहते हैं पाली में इसको। तो बुद्धं को बहुत सारे बुद्धं ऐसे भी कहते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, बुद्धं अंग करना है, शरणं गच्छामि। आगे है धम्मं शरणं गच्छामि, ऐसे नहीं बोलना है हम लोगों को, धम्मं शरणं गच्छामि, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है पाली के अनुसार, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, संघं, संघम नहीं है, संघं शरणं गच्छामि, शरणं, फिर सुनिएगा, शरणं नहीं बोलना है, शरणं बोलना है, गच्छामि, क्योंकि हम लोगों के पास अलग अलग तरीके के अलग अलग मानसिकता वाले लोग हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बार नहीं कहा है, तीन तीन बार कहा है, द्वितीयम भी तृतीयम भी, दूसरी बार तीसरी बार। तो आप लोग बार बार सुनिए, बार बार समझिए, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसे नहीं बोलना है, संघं शरणं गच्छामि। बहुत सारे लोग ये तो सुना ही है, सबको पता ही है बुद्धं शरणं गच्छामि, तो किसी भिक्षु को देखता है या किसी बुद्ध के विहार में जाते हैं तो
लोग तेज तेज बोलने लगते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसे चिल्ला चिल्ला के भी बोलने लगते हैं। बोलिए लेकिन उच्चारण को सही रखिए पाली के अनुसार। अब आगे है दूसरी बार, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरी बार बुद्ध के शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे नहीं बोलना है, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर आगे है, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, इसको बस ध्यान रखिए, धम्मं शरणं गच्छामि। आगे है, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, आपका जो रंग बोलने का आदत है वो नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। फिर आगे है, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी बुद्ध के शरण जाता हूँ। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे नहीं बोलना है, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर आगे है, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी धर्म के शरण में जाता हूँ। फिर आगे है, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तीसरी बार भी संघ के शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, ऐसे नहीं बोलना है, संघं शरणं गच्छामि, ऐसे बोलना है। तो आगे है फिर पंचशील या पांच नियम, इसमें है पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। बहुत सारे लोग ये न कोड़ा बोलते हैं और अन्य अन्य जगह पर अपने अपने ही तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। तो मैंने सुना है, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, ऐसे उच्चारण करते हैं। ये न साइलेंट है, इसको ध्यान में रखिए, पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। अब आपको न का ण नहीं बोलना है, ये पाल के अनुसार न है, साइलेंट है, इसलिए सही से उच्चारण करिए, पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। आगे है, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। अब ये बहुत सारे लोग ये पुराना अक्षर होने के कारण ये न को अदित्रा बोलते हैं, अदित्रादाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, ऐसे उच्चारण करते हैं। यत्रा नहीं है, न है, पाली में त्रा नहीं होता है, न है ये। अदिन्न अदिन्न दो ना है ना, अदिन्न तो ये दो ना है इसमें, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, सही से सुनिएगा, अदित्रा दाना नहीं है, वेरमणि नहीं है, अदिन्ना है, दो ना है इसमें, अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। आगे है, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। बहुत सारे लोग कहते हैं, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि, ऐसा नहीं है, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, ऋ नहीं बोलना है, नी यस न र जो है न है पाली में, शिक्षा पदं समादियामि,
कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। आगे है मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि नहीं बोलना है, सिक्खा पदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि री को नहीं बोलना है क्योंकि पाली में न साइलेंट है। सिक्खा पदं समादियामि। फिर आखिरी है सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि नहीं बोलना है, सिक्खा पदं समादियामि। तो सही से उच्चारण करना है सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। आपको अभी समझ में आ गया होगा शुरू से अंत तक कैसे बोलना है, तो मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। आगे पंचशील पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो आपको इसी प्रकार से सही सही से ण नहीं बोलना है, न बोलना है, दम नहीं बोलना है, दंग बोलना है, इसको ध्यान रखते हुए सही से उच्चारण कीजिएगा। आज तक जो भी अपने बोली के अनुसार, अपने भाषा के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार आपने उच्चारण किया होगा, लेकिन आगे से ऐसा मत करिए। पाली के अनुसार आप लोग अगर पंचशील ग्रहण कर रहे हो तो इसको शुद्ध रूप से बोलिएगा, शुद्ध रूप से जानिएगा, क्योंकि ये सही से होना चाहिए। जो भी कर रहे तो सही से पता होना चाहिए, अज्ञानवश अज्ञानता में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये जानते हुए आगे बोलिए। आप सब इसको सही सही से उच्चारण करने के लिए ही कोशिश कीजिए, गलत उच्चारण करना अच्छी बात नहीं है। तो यही आज के वीडियो में था कि आप सब ये तीसरण गमन और पंचशील का सही से उच्चारण करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक गलत उच्चारण के कारण हम लोग पूरे सूत्र को गलत तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो। आप सब ऐसे ही शुद्ध रूप से धर्म में आगे बढ़े, ध्यान में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानशासनं
साधु साधु साधु।